बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोगों के साथ एक धोखा हो रहा है, एक फ्रॉड हो रहा है, एक चीट किया जा रहा है उनको। इस वक्त पूरी वो मुहिम जो काम कर रही है, वो जो टीमें काम कर रही हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, उनको डैमेज किया जा रहा है, उनको सियासी मसलों में उलझाया जा रहा है, प्री प्लान उलझाया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी साजिश है मुझे नहीं मालूम। मुझे कल से अब तक कई हजार लोग ये वाली वीडियो भेज चुके हैं, आप देख सकते हैं करीब आए, ये वाली वीडियो भेज चुके हैं मुझे कई हजार लोग। ओ भाई, ये वीडियो कोविड के पहले हफ्ते की थी, जब हम 30,000 बोरे राशन बांट रहे थे। हमने 4 महीने 10 दिन तक ये राशन बांटा था। इस दरमियान हमारी कुछ लोगों से गलतफहमी की बुनियाद पे कह लें, कुछ लड़कों से कुछ मामलात हुए थे। उन्होंने एक सियासी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया था, हमने वीडियो बनाई थी, वो लोग आए थे, उनको मुअत्तल कर दिया था, और फिर मामलात बहुत अच्छे चले थे। आज भी, आज की डेट में हम इस वक्त मुराद अली शाह साहब जो वजीर आला सिंध हैं, मुर्तजा वहाब साहब, जो लोग सिंध के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अभी इस वक्त आके कोई सियासी आदमी बोले, कोई सियासी पार्टी बोले, अरे आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, करेगा कौन इन 2 करोड़ों लोगों के लिए जो खुले आसमानों के नीचे हैं, जब उनको काम करने ही नहीं दिया जाएगा। ये फैसला बात के लिए छोड़ दें कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, या तो फिर फैसला कर लिया गया कि अपनी सियासत के चक्कर में करोड़ों लोगों को मरवा दिया जाएगा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप नहीं समझते, मैं नहीं समझता, एक आफत आई है और बहुत बड़ी आफत आई है। मैं तो सबसे बोल रहा हूँ कि टीवी पे बैठ के तस्सीये तबसरे नहीं करो मेरे भाई, आ जाओ मेरी बरादरी वालों, राशन पका हुआ खाना भिजवाओ, खेमे भिजवाओ। लोग रोते हुए फोन कर रहे हैं, मच्छरों ने मार दिया, बुजुर्ग रो रहे हैं मच्छरों ने मार दिया, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं उस सैलाब में। अभी किन चक्करों में लगे हुए, कौन सी सियासत है? वीडियो आज की नहीं है भाई, ये वीडियो 3 साल पहले की है। मामलात खत्म हो चुके हैं, सब कुछ बेहतर हो गया, हम इनके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अभी बार बार वो एक ऑडियो चला दी उन्होंने हमारे नाम से, उनको तो मैं भेज रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपए का, हट जाना। ये क्या चक्कर है यार, अभी हम दिन में 250 ट्रक राशन निकालें कि हर एक को जवाब देते फिरेंगे, ये झूठ है ये सच है, ये झूठ है ये सच है। भाई काम की जरूरत है, खुदा के वास्ते जहां जहां वीडियो लगी हुई है डिलीट करें, और जो लोग चला रहे हैं व्हाट्सएप पे वो भी सुन लें कान खोल के। इससे ज्यादा मेहनत, इससे ज्यादा जोर उन लोगों तक पका हुआ खाना पहुंचाने में लगा दें। वो रो रहे हैं, हमें 2 चीजें मार देंगी, धूप या भूख। कहां है लाखों खेमे, कहां है खाना पका हुआ, सब अपना अपना हिस्सा डालें। इस वक्त मैं समझता हूँ ये सियासी गेम का चक्कर नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त कैंपेन चला के। वो जीते हुए लोग हैं, उनके वजीर आलम को अपने हल्के में काम करने दें, बाद में सियासत कर लिएगा। बाकी आपको मेरा बैंड बजाना है, मेरा बजाएं कि इसने क्यों ये बात बोली। मैं तो सच बता रहा हूँ, इस वक्त जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास पैसा है, उसको काम करने दो ना।